फिर दिसंबर दरभंगा में निकला सांप्रदायिकता विरोधी मार्च। भाकपा माले दरभंगा जिला कमेटी के नेतृत्व में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर पोलो मैदान दरभंगा क्लब से सांप्रदायिकता विरोधी मार्च निकाला गया। मार्च आयुक्त कार्यालय, समाहरणालय, लहरियासराय टावर, लोहिया चौक होते हुए पुनः पोलो मैदान पहुंचकर सभा में तब्दील हो गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस के मौके पर दरभंगा सहित पूरे राज्य में सांप्रदायिकता विरोधी मार्च का आयोजन किया गया। संविधान के निर्माण में जिस भीमराव अंबेडकर का सबसे बड़ा योगदान रहा, उनका नाम लेने का नैतिक अधिकार भाजपा संघ को नहीं है। हर कोई जानता है कि ये लोग संविधान को ही खत्म कर देना चाहते हैं। लोकतंत्र व धर्मनिरपेक्षता हमारे संविधान की आत्मा है। हमारा संविधान हमारे नागरिकों को अधिकार व कर्तव्य देती है। लेकिन विगत 26 नवंबर को प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कहा कि अधिकारों पर बहुत चर्चा होती है, यह सही नहीं है। कुल मिलाकर फांसीवाद की विचारधारा संविधान के स्थान पर मनुस्मृति को ही संविधान बनाने पर तुली हुई है। इस अवसर पर सभा को संबोधित करते हुए इंसाफ मंच के प्रदेश उपाध्यक्ष नियाज अहमद ने कहा कि आज जिस तरह से आए दिन पूरे देश में और बिहार में खास तौर पर पत्रकारों की हत्या और पत्रकारों को सच लिखने से रोका जा रहा है, जो कि देश का चौथा स्तंभ हमेशा से पत्रकार रहे हैं, लेकिन इस सरकार में सिर्फ और सिर्फ राजतंत्र का माहौल बनाने की पूरी मंशा इस केंद्र और बिहार सरकार की नीति को जग जाहिर करता है। चाहे वह जाति, धर्म, मजहब, इस सब को लेकर के अल्पसंख्यकों के साथ कहीं ना कहीं दुर्व्यवहार करती नजर आ रही है। हम जानते हैं कि इस पर उन्होंने आगे क्या कुछ कहा। सांप्रदायिक सत्ता के खिलाफ में ये हमारा सांप्रदायिक विरोधी मार्च है। देश में संविधान बदलने की बात हो रही है, देश में लोकतंत्र पर हमले हैं, देश में पत्रकारों पर हमले हैं, ये तमाम जो हमले हैं उस हमलों के खिलाफ में आज हमारा सांप्रदायिक विरोधी मार्च है। हम इस मार्च के माध्यम से आवाम से कहना चाहते हैं कि देश में जो मथुरा को अयोध्या बनाने की साजिश चल रही है, हम उसका विरोध करते हैं। पार्लियामेंट में भाजपा के लोगों के द्वारा संविधान बदलने की जो बात हो रही है और प्रेस की आजादी जो है, प्रेस को आप पार्लियामेंट में प्रतिबंधित करने की जो बात हो रही है, इन तमाम सवालों को लेकर के आज पूरे देश में भाजपा माले की ओर से सांप्रदायिक विरोधी मार्च है। और ये जो हम लोग सांप्रदायिकता विरोधी मार्च निकाले हैं, इस मौके पर हम आपके माध्यम से दरभंगा के जनता से अपील करना चाहते हैं कि आज देश में जो लोकतंत्र और प्रेस की आजादी पर खतरा पैदा हो गया है, संविधान बदलने की साजिश चल रही है, इस देश में उन्माद और उत्पाद जो बढ़ाने की साजिश चल रही है, इसको देश बर्दाश्त नहीं करेगा। दरभंगा भी हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम दरभंगा में भी इस आवाज को उठा रहे हैं कि साझी संस्कृति, साझी विरासत और देश में कानूनी व्यवस्था को हम मजबूती प्रदान करने में हम एकजुट होकर की आवाज को बुलंद करेंगे। और जो ताकतें इस देश में पूंजीपतियों के तिजोरी भरना चाहते हैं और मजदूर किसानों के स्थिति को खराब करना चाहते हैं, हम उसके खिलाफ एक बड़ा आंदोलन, विराट आंदोलन खड़ा करने में। इस न्यूज के प्रस्तुत करता है सिटी सेंटर द कंप्लीट मल्टी ब्रांड मेंस वेयर शोरूम सुभाष चौक दरभंगा। ली एक्सक्लूसिव शोरूम सुभाष चौक और दैनिक ओमी तंजीम न्यूज़पेपर दरभंगा।